हम स्वामी विवेकानंद के कुछ उपदेशों पर अपना हर रविवार का जो चिंतन है उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने स्वामी जी के कर्तव्य के विषय में जो विचार है उसको पिछले बार पढ़ा था। और ये जो विचार है स्वामी जी के कर्मियों के प्रवचनों से दिए गए हैं। हमने कर्तव्य के बारे में स्वामी जी तीन बातों को पढ़ा कि कर्तव्य की अवधारणा हर जगह पे अपने अपने लोग अपने अपने धर्म अपने मत के अनुसार उसमें अंतर होता है और इस कारण बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि कर्तव्य का क्या उसका मानदंड है या क्या उसकी कसौटी है। कोई एक व्यक्ति कह सकता है कि मेरी परंपरा में इसको कर्तव्य कहते हैं, कोई और दूसरा किसी और परंपरा को लेकर कह सकता है मेरी किताब में तो ऐसा लिखा है ऐसी पर ऐसा यहाँ पे कर्तव्य है। तो कर्तव्य होता क्या है? स्वामी जी ने इसके विषय में अपनी बात कहते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुसार भी कर्तव्य में परिवर्तन आता है। उसका एक उदाहरण स्वामी जी का प्रसिद्ध उदाहरण है कि जैसे एक व्यक्ति उसके पास युद्ध करने की क्षमता हो और अगर वो उस प्रकार का जो एक कौशल है उसको अगर वो सीमा क्षेत्र पे जहाँ उसे युद्ध करना है दुश्मन के साथ सेना में भर्ती होकर अपना अपना जो कौशल दिखाना है तो वो करे तो बहुत उचित है। लेकिन वही अगर एक सामान्य नागरिक बन के एक सिविल लाइन में वो अगर अपने आप के अपने हथियारों को चलाए किसी को मारे तो उसको हो सकता है दंडनीय है। जो चीज वहां पे प्रशंसनीय है यहाँ पे दंडनीय है। तो परिस्थितियों के अनुसार भी कर्तव्य में परिवर्तन होता है। स्वामी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो प्रत्येक व्यक्ति का जो आदर्श है जो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, आदर्श होता है ना एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो उसका वो एक ठोस नहीं, वो कुछ विचारों कुछ भावनाओं को कुछ कुछ प्रकार की परिकल्पनाओं को मिला के होता है। और ये सब मनुष्य की विशेष देन उसे ये सब करने की क्षमता है, बाकी और उतनी क्षमता नहीं। बोले कि मनुष्य पहले एक स्तर पे रहता है, एक स्तर से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। हो सकता है उसका आदर्श हो कि सिर्फ पैसा कमाना है और अपना जीवन जीना है, उसमें अपनी जो उसे इंद्रियों भगवान ने दी हुई है इंद्रियां उसका भोग कर। स्वामी कहते हैं ये एक मानो एक पहला स्तर है। ये अक्सर जो स्तर है बहुत ही कभी कभी बड़ा पार्श्विक भी हो सकता है, पशु जैसा भी हो सकता है, लेकिन उस स्तर पे है चलो ठीक है। उस स्तर पे उसका क्या कर्तव्य है उसको समझाना चाहिए, समझना चाहिए और करना चाहिए। और उसी को करते करते उसमें एक सूक्ष्मता में उसमें एक संस्कार उत्पन्न होता है। सो वो जब संस्कार उसमें उत्पन्न होता है तो वो उसी चीज को लेके वो उच्चतर कर्तव्यों की ओर बढ़ता है। स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य यह है कि अपना आदर्श लेकर
उसे चरितार्थ करने का प्रयास करें। उसे लगता है ये मेरा कर्तव्य है, उसे लेके उसको चरितार्थ उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो दूसरों के ऐसे आदर्शों को लेकर चलने की अपेक्षा जिनको वह पूरा नहीं कर सकता, उसे अपने ही आदर्शों का अनुसरण करना उचित रहेगा और यही उसकी सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। जहां से वो है वहीं पे चलेगा। एक बात तो समझ नहीं है कही है। और एक कर्तव्य के बाद में दूसरा आयाम है और ये आयाम थोड़ा अलग तरह का है। इसमें स्वामी जी कर्तव्य क्या है इसके मामले इसके विषय पे हमें अच्छे प्रकार से चिंतन करना चाहिए, इसके लिए वो इंगित करते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति ने मान लिया ये मेरा कर्तव्य है और वो उस कर्तव्य को करने के लिए वो सब समय लगा रहता है, तो लेकिन करते करते फिर उसको लगता है ये थोड़ा बोरिंग हो गया, लगता है एक ही चीज को बार बार करते जाओ, वही सुबह उठो, जैसे किसी की दुकान हो वही दुकान खोलो, किसी का और कुछ काम हो सकता है लेकिन उसको दुकान है, दुकान में जाओ ये काम करो वो काम करो, सारा दिन बस इसी में है, उसमें कोई उसका करने में उसे कोई उतना इंटरेस्ट भी नहीं है लेकिन करना पड़ता है। स्वामी कहते हैं उसके लिए पहले तो कर्तव्य को ठीक ढंग से समझो, फिर कहते हैं कि ये हम पढ़ते हैं, पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कर्तव्य का पालन शायद कभी ही मधुर होता है, सब समय मधुर नहीं होता। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है, द व्हील ऑफ ड्यूटी देन ओनली इट रन्स पीसफुली, व्हील ऑफ ड्यूटी, जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लग जाती है, अन्यथा में एक अविराम घर्षण मात्र है। यदि ऐसा ना हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सके। क्यों यह है? क्या हम इस घर्षण के कारण अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते हमको कर्तव्य पालन में की मधुरता प्रेम में ही, अर्थात कर्तव्य करते समय मन में प्रेम होना चाहिए, मन में मधुरता होनी चाहिए। एक शब्द है इंग्लिश भाषा में, वो आजकल इतना व्यवहार में नहीं है लेकिन उसका अर्थ सभी जानते हैं, वो है ड्रजरी, DRUDGERY। बहुत वर्ष पहले मुझे बात स्वामी रंगनाथन जी महाराज एक बार ऐसे ही बैठ के भक्तों के साथ बात कर रहे तो उन्होंने ये शब्द व्यवहारित किया और उन्होंने ये भी कहा, देखो ड्रजरी बहुत से लोग हैं, वही सुबह उठ के जैसे मिले, उन्होंने उदाहरण दिया कुछ परिवार की माताएं हैं होते सारा दिन बस वही ड्रजरी करते हैं। ड्रजरी का अर्थ होता है कोई काम जैसे बड़े ही दुख पूर्वक करना ही पड़ता है, क्या करें, जैसे हिंदी में कहते हैं करता ना क्या मरता, करना ही पड़ेगा, करता ही रहता है। स्वामी जी कहते वो कर्तव्य ठीक ठीक का नहीं है, उसमें अंदर में उतना उत्साह नहीं है, प्रेम नहीं है। तो प्रेम होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते हैं कि बिना प्रेम के इस प्रकार के कर्तव्य चार दिन चलते रहे, फिर लोग अपने आप को फिर कोसने लग पड़ते हैं, अरे क्या मुझे ये करना पड़ रहा है, ये देखो मैं सुबह से लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ, सुबह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। जब मन में प्रेम होता है तो इस तरह की भाषा नहीं आती। जैसे कोई इसका एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई एक युवा है, एक टीनेजर है, उसको नई नई साइकिल मिली है, वो साइकिल को अच्छी तरह से चलाता भी है और उसकी सफाई भी करता है बड़ी तरह, उसको काफी समय लेता है, उसको एक घंटा उसके सारे चक्के के अंदर की सारी चीजों के लिए उसकी चेन के ऊपर ये वो सारे बड़ा प्रयास उसमें सफाई करता। अब उसके कोई कहे क्या तुमको ये करने में आनंद है, हाँ मेरी ये साइकिल है क्यों नहीं मुझे आनंद आता, उसमें एक प्रेम का भाव आ गया। क्या वही प्रेम का भाव के अन्य कार्यों में नहीं आ सकता, क्या उस प्रकार की मधुरता जीवन में नहीं ला सकते, सब समय कंप्लेन करते हुए शिकायत करते हुए एक रो रो के अपना काम करना,
क्या करूं, ये एक प्रश्न है, क्या करूं, मुझे करना पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं ये कर्तव्य के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक कर्तव्य करता है तो उसके मन में प्रेम होना चाहिए। हाँ, मुझे ये मिला है, मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे कर्म फल, मेरे संस्कार, मेरी प्रगति के लिए जो उपयुक्त है उसके अनुसार मुझे ये स्थितियां, ये परिस्थितियों में भगवान ने रखा। अब मैं इसको स्वीकार करता हूं और इसको आनंद पूर्वक, मधुरता पूर्वक अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। अगर ना हो तो व्यक्ति सब समय एक रुदन वाला मन लगा के, वैसा एक रोने वाला चेहरा लगा के अपना काम करता है, यहां से वहां चीजों को भटकता है और कह रहा है मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। ये कर्तव्य नहीं, कर्तव्य करने में एक मधुरता होनी चाहिए, एक उसमें एक उत्साह होना चाहिए और वो उत्साह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आता है जब व्यक्ति गहराई से चिंतन करता है। सारा का सारी जो आध्यात्मिकता है, जो भी हम आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, उसका एक जो मुख्य आधार स्तंभ है वो है अंतर्मुखी होके हमें अपने आप को समझना। हम अपनी मुश्किलों को अपने आप में समझना नहीं डालना चाहते, हम दूसरों पे डालना चाहते हैं, इसके कारण मेरा दुख है, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये परिस्थिति, इसके कारण मेरा दुख है। अब हम यहाँ किसी जो एक किसी प्रकार के तंत्र में, एक सिस्टम में कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको दूर करने के लिए एक दूसरे स्तर पर जाना पड़ता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसके एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि कैसे उसका सोचने का तरीका एकदम एक सकारात्मक हो, परिपक्व हो, और उसमें ये ना करे मैं क्या करूं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बड़े अहोदे पर बैठ कर भी बच्चों जैसे ही बात करते हैं। एक बार एक बड़े किसी जज ने अपना कहा था, देखो क्या हम खाली बैठे, क्या हम सुबह से शाम तक 10 घंटे बैठ के काम नहीं करते। अच्छा, ऐसा कहना तो उचित नहीं था, क्योंकि आप अपने बारे में इस प्रकार का क्यों अवधारणा रखते हैं? क्यों? क्योंकि ये काम तो अन्य लोग भी तो ऐसे करते हैं। कोई जवान है जो एक मिलिट्री में काम करता है, वो भी तो शायद इतना देर ही खड़ा होता है, वो तो इस प्रकार से आपसे सहानुभूति नहीं चाहता है। तो मेरा कर्तव्य था, मैंने प्रसन्नता पूर्वक किया। कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक अस्पताल में काम कर रहा हो, कोई कोई वार्ड बॉय हो, कोई डॉक्टर हो, कोई पुलिसमैन हो, कोई पेट्रोल पंप में काम करने वाला व्यक्ति हो, तो सबके मन में इस तरह की भावना आ सकती है। इसलिए स्वामी जी ने एक बात जो हमारे समक्ष रखी, जब हम कार्य करें प्रसन्नता से करें, मधुरता से करें, और उसमें एक प्रकार का मैं आनंद आए, हाँ ये कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ये मेरे को करने से मैं जीवन में कुछ एक सार्थकता प्राप्त हो, कोई इसमें एक अर्थ है, एक निरर्थक काम नहीं कर रहा। निरर्थक कार्य कैसे होता है? बोलते जैसे एक व्यक्ति था, उसने सुबह से उस असल में थोड़ा मत किया, तो उसने हाथ में लाठी पकड़ी और उसके घर के आसपास एक कुम्हार रहता था, कुम्हार ने कुछ पुराने टूटे हुए बर्तन रखे हुए थे मिट्टी के। अब इसकी तो पूरी होश में था नहीं, तो इसने अपने हाथ में वो लाठी उठाई और उन बर्तनों को तोड़ता गया, वैसे ही टूटे हुए थे, टूटे हुए बर्तनों को तोड़ता गया। तो सुबह से शाम तक तोड़ तोड़ के फिर बोलता, आहा देखा इतना काम किया। ये काम नहीं हुआ, इसमें निरर्थकता है। तो वो काम जिसमें एक सार्थकता हो, वैसा मन में रख के हमें उस मधुर भाव से कार्य करना होगा। ऐसा स्वामी जी कर्म योग का एक आधार स्तंभ है कि हमारा दृष्टिकोण कैसे हो। अब कर्म योग हम समझते हैं कि कर्म को ऐसे करें कि यही अपने आप में एक योग बन जाए, ये भी एक रास्ता बन जाए। कर्म को ऐसा करें कि हम कर्म अलग है और हम पूजा पाठ करते हैं वो तो अच्छा है, ये तो उनको बड़ा ही बेचारा होकर करना पड़ रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने एक नया शब्द
यद्यपि उन्होंने इसको डायरेक्टली नहीं कहा, हमारे रामकृष्ण मिशन के 11वें जो प्रेसिडेंट महाराज थे श्रीमद स्वामी गंभीरानंद जी महाराज, उन्होंने इसको काफी स्पष्ट रूप से कहा कि एक सेवा योग, माने सेवा करना वो भी एक प्रकार से योग, जैसे कर्मयोग है उसी का एक और मानो एक सब क्लास है, सबसे हिस्सा जो है क्या है सेवा योग, उसमें सिर्फ सेवा की दृष्टि से जो कार्य किया जा रहा है। अब जो लोग इस तरह से मधुरता से कार्य नहीं करते, जिनके जीवन में इस प्रकार से वो आनंद नहीं है, तो उसके बारे में स्वामी जी एक आध्यात्मिक दृष्टि से ये कहते हैं वो मानो एक दास जैसे काम करते हैं। किसके दास हैं? बोले अपने ही लोग, अपने ही गलत विचारों के दास हैं। स्वामी जी कहते हैं दासत्व को कर्तव्य कह देना अथवा मांस के प्रति मांस की घृणित आसक्ति को कर्तव्य कह देना इतना सरल है। मनुष्य संसार में धन अथवा अन्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता है और उससे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो झट से वो उत्तर देता है यह तो मेरा कर्तव्य है। पर यह धन और लाभ के लिए निरर्थक लोभ मात्र है, लोग उसे कुछ फूलों से ढके रहने की चेष्टा करते हैं। इसका उदाहरण हम सब जानते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी पहले एक जब उनका व्यवसाय था वो एक प्रकार से जो रास्ते में लोग जा रहे हैं उन पर डकैती डाल रहा है, तो डकैत आजकल की भाषा में डकैत थोड़ा अलग है, उस जमाने का थोड़ा डकैत अलग है। तो उस जमाने में क्या है कि वो वहां से जब जाते थे तो उनकी वो उनको उनके सामान वान उठा लेते थे, बात उनको मार भी देते थे। तो इस प्रकार से चलते चलते एक बार जब नारद मुनि से उनका साक्षात्कार हुआ तो वही काम वो जब नारद मुनि के साथ करने लगे तो नारद मुनि ने कहा ठीक है तुम मुझे मारना चाहते हो या मुझे लूटना चाहते हो, वैसे तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम कर क्यों रहे हो ये सब? बोले मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसमें तुम जो परिवार के लिए ये जो गलत काम कर रहे हो इसको जो तुमको इसमें पाप कर्म या परिवार वाले तुम्हारे इस पाप कर्म को लेंगे लेंगे ही, तो मैंने पूछ के आओ तुम ऐसे करो मुझे यहाँ बांध के इसमें चले मैं बाहर ना जाऊँ और तुम पूछने के लिए जाओ। तो रत्नाकर डाकू जाता है घर में और एक एक करके सभी से प्रश्न करता है। पहले प्रश्न ये करता है तुम जानते हो मैं तुम लोगों को पालने के लिए क्या करता हूँ? बोलते नहीं मैं तो इस प्रकार से कार्य करता हूँ। तो मैं कहते हैं हमें इससे क्या लेना, तुम तो हमें हमारा पालन करो बस यही तुम्हारा कर्तव्य है। वो सबसे पूछ के जब निराश हो जाता है तब उसके मन में आता है कोई क्या मेरे पाप का हिस्सा लेगा, मैं गलत काम करके इनका पालन पोषण करता हूँ। तो सबसे जब पूछता होता है हम क्यों ले, तुम कर्तव्य करते हो ऐसे, तुम्हारा कर्तव्य है कि हम लोगों को पालना है, तुम कैसे पैसे लाते हो ये तुम्हारी तरफ से, हमें तो बस इतना है कि तुम हमारे जैसे बच्चे उनके पिता हैं या स्त्री हैं उनके पति हैं और जो माता पिता उनका लड़का है, बोले ये तो हमें इतना पता है कि ये सब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा पालन करो, हमें नहीं पता तुम कैसे पैसा लाते। तब वो उसका माता काम होता है, अरे ये तो मैंने अपने आप को इस तरह से छोटा बना कर रख दिया, मैं सोचता हूँ कि बाकी लोग बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे मेरे कार्य से। फिर पता चला जब उसके समझ आती है कि कोई भी तो तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनेगा, तुम्हें अपना पाप अपना पुण्य अपना ही करना होगा, तब वो छोड़ के जब नारद जी के पास जाके अपने आप को समर्पित करता है बात बताता है, तब नारद जी उनसे कहते हैं ठीक है तुम राम नाम जपो। अब राम नाम भी नहीं जपने में भी उन्हें क्षमता नहीं होती, वो राम ना बोल के मरा बोल देते हैं उसको उल्टा। अब कोई है ना उसको विपरीत भाव से बोलने से लंबे से बनाने से एक ही हो जाता है। जैसे श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि तागी 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 तागी, गीता का उल्टा अगर करेंगे तो तागी है, तो
तागी, तागी मतलब वो व्यक्ति अपने अहंकार के, अपने स्वार्थ का, अपने लोभ का, अपने क्रोध का त्याग कर, यही गीता है। गीता का मुख्य उपदेश यही है कि अंदर से अपने आप को पवित्र रखो, तागी तागी तागी। वैसे ही वो मरा 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 बोलते बोलते वो राम राम बोलते जाते हैं, उनके चारों ओर इतना लंबा बैठते हैं कि चारों ओर मिट्टी जम जाती है, उसमें दीमक अपनी बिंब बना लेती है, और उसी को संस्कृत में वल्मीक कहते हैं। वल्मीक उनके चारों ओर हो जाती है इकट्ठी, और तब फिर कोई आता है उसको सोचता है कि वल्मीक है, उन्हें नहीं पता अंदर एक मनुष्य है, तो उसको अगर हिलाने की कोशिश करता है तो पता चलता है अरे तो मनुष्य है। तब धीरे धीरे उनको जब बाहर लेके आता है तब उनको नाम देते हैं ये वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी उस वाल्मीक से जुड़े शब्द का अलंकार था। तो वो इतने एक महान ऋषि हुए जिन्होंने हमें वाल्मीकि रामायण दी, जिसपे आधारित होकर बाकी सारी रामायण लिखी है। बहुत सी रामायण है, जैसे आनंद रामायण है, रामचरितमानस है, फिर अध्यात्म रामायण है, बहुत सी रामायणों के प्रकार है, और विभिन्न विभिन्न भाषाओं में अलग अलग जगहों पे रामायण का वर्षन है, और यहाँ तक कि आप थाईलैंड में जाएं, कंबोडिया में जाएं, वहाँ भी रामायण लोग अपने ढंग से उनको उन्होंने अभी भी उसको अपनी एक संस्कृति का हिस्सा मान के उसको बचा के रखा और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं, नाट्य रूप में कर या फिर जिस सांस्कृतिक रूप में उतारते हैं। जो हो तो शुरू यहाँ से हुआ, और उसने भी शुरू कहाँ से हुआ, उस विवेक से शुरू हुआ कि क्या कोई मेरे पाप का भागीदार बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं तुम जिसको कह रहे हो कि ये मेरा कर्तव्य है कि सचमुच तुम्हारा ये कर्तव्य है, इसके बारे में सोचो। हम बहुत बार बहुत सी चीजें ऐसे, कुछ लोग होते हैं सुबह उठना है, अभी चाय पीनी है, फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर सारी जो कल की हुई घटनाएं हैं उसको लेके दुखी सुखी होना है, किसी को गाली निकालनी है मन से, फिर कह रहे हैं संसार ऐसा ही है, फिर जाना है ऑफिस जाना है, फिर एक रूटीन सी बना के रखी हुई है, और वो सोचते हैं ये हमारा कर्तव्य है। इसको लेके हमारे एक बड़े वरिष्ठ सन्यासी स्वामी अशोका जी महाराज, तब वो अमेरिकन के साथ बोल रहे थे, तो अमेरिका में रहते थे, तो कहते ये कर्तव्य नहीं है, तुम लोगों ने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है, बस कर्तव्य नहीं है कि सुबह उठ के किसी को गाली देनी है, एक कर्तव्य नहीं है कि अपने आप को इस तरह से, अपने जीवन को इस तरह से समेट के रखना है। कर्तव्य ये है कि हम सकारात्मक रूप से कुछ सेवा कर सकें, अपना जो कर्तव्य है, करणीय है, उसको करें और मन को प्रसन्न रखें। एकमात्र कर्तव्य जीवन का जो हमारे समक्ष है कि धीरे 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 अपने मन को पवित्र करके इस प्रकार से शुद्ध आचरण से, शुद्ध दृष्टिकोण से, शुद्ध विचारों से करते करते अपने मन को हम इतना सक्षम बना लें कि हम अपने ही स्वरूप को समझ पाए, जिसको श्री राम कृष्ण देव की भाषा में कहें तो हम सब अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें, ईश्वर की प्राप्ति कर लें, वही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाकी सारे कर्तव्य उस कर्तव्य तक ले जाने के लिए मानो सोपान है, स्टेप्स है। फाइनली यहाँ पे स्वामी जी एक बात कहके इसको, इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कर्तव्य हमारे लिए जब इस प्रकार से हम उसको गलत एक नकारात्मक रूप से अपने जीवन में लाते हैं, बोलते इस प्रकार कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग सा हो जाता है और हम सदा उसी दिशा में हमको खींचता रहता है, तो ये हमें जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुख पूर्ण जकड़ लेता है, मतलब उसमें विवेक नहीं है, करते जाना है बस। हम उन जो कुछ कुछ होते हैं ना, कुछ लोग फंसे होते हैं जिसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो बात हो रही है कि किस प्रकार से व्यक्ति का दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए, ये मनुष्य जीवन के लिए एक महाविभीषिका स्वरूप है, यह कर्तव्य बुद्धि। ये जब बात स्वामी जी ने अंग्रेजी में कही थी तो बहुत से लोगों को जनरली जब सुना था हिल गए थे, क्या हिंदी में इसका अनुवाद यह है
ये कर्तव्य बुद्धि ग्रीष्मकाल के मध्यान्ह सूर्य के समान है जो मानवता की अंतरात्मा को दग्ध कर देती है। कर्तव्य के उन बिचारे गुलामों की ओर देखो, इट इज द मिड डे स्कॉर्चिंग सन, समझे की भाषा मिड डे स्कॉर्चिंग सन, उन्हें करना है बिचारे मिड डे स्कॉर्चिंग सन, उन्हें कर्तव्य, उनका कर्तव्य कैसा कर्तव्य, ना उन्हें प्रार्थना या स्नान ध्यान करने का ही अवकाश देता है, सुबह सुबह उसको निकल जाना है ना, उसके पास कोई भी उसके जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ लाने के लिए कोई संभावना ही नहीं प्रतीत होती। तो उसका कर्तव्य है उसे प्रार्थना, सुबह उठ के वो प्रार्थना करे, स्नान ध्यान करे, उसका अवकाश नहीं देता कर्तव्य, उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं, कर्तव्य सदा उनके सिर पर सवार रहता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने में लग जाते हैं, कर्तव्य उन पर सवार हो जाता है। यह तो एक गुलाम उनकी जिंदगी हुई। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वे कसे कसाए घोड़े की तरह सड़क पर ही गिर कर मर जाते हैं। कर्तव्य साधारणता यही समझा जाता है, परंतु साधारणता यही काम करते करते समाप्त हो गए, सुबह से शाम तक घोड़े की तरह लगा हुआ, लेकिन परंतु अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना और समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना ही असल में हमारा एकमात्र सच्चा कर्तव्य है। अर्थात अंदर में जो सोचने का तरीका है, सोचने का जो एक जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए, जिसका एक शास्त्रों से उसका ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, इन महान संतों के विचारों से हमें पता चलता है, तो उसको हम बना के अपने जीवन में लक्ष्य बना के जब हम जीने का प्रयास करते हैं, तब हमारे जीवन में एक सुंदरता आती है, एक प्रसन्नता होती है। आजकल की भाषा में तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इंप्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं कितने लोगों में, वो बस एक मशीन की तरह काम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो क्या उनके पास क्या कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य है, लेकिन सोचने के लिए समय होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ समय होना चाहिए जिसमें वो बैठ के सोच सके कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, क्या मेरे दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, मैंने क्या बोला, क्या कहा, क्या सुना, इसमें क्या मैं कुछ किसी प्रकार का सुधार करने की क्षमता है, आज मैंने कैसे जीवन बिताया, आज मैं कब उठा, मैंने कैसे अपना समय भगवान की ओर लगाया, या कुछ ऐसी निरर्थक कामों में जैसे वो व्यक्ति डंडा लेके टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को तोड़ता रहा और बोला कि मैंने बहुत कार्य कर लिया है, क्या वैसे ही मैंने अपना जीवन बिता दिया है। हर रोज ये ध्यान जब के अंतर्गत आता है, श्रीमा शारदा देवी कहती हैं कि हर रोज शाम को हमें जब संध्या होती है बैठ के थोड़ी देर भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, और चिंतन के समय ये भी सोचना चाहिए कल मेरा दिन कैसे बीता, आज मेरा दिन कैसे बीता, अर्थात हम आत्मनिरीक्षण करें हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और ये मनुष्य के अंदर शक्ति है जो अपने आप में इस प्रकार से आत्मनिरीक्षण करके परिवर्तन ला सकता है। यही एक बहुत बड़ी बात है जो स्वामी जी ने हमें अंत में कही, अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह, एक आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति, अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना वह समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना ही असल में हमारा एकमात्र सच्चा कर्तव्य है। नहीं तो जो लोग ईश्वर को समर्पित नहीं करते अपने कार्य को, वो अपने कार्य को अपने सिर पे बोझ के चलते रहते हैं। अच्छा कार्य हुआ, बुरा कार्य हुआ, उनको किसी ने श्रेय दिया, भाई तुमने तो बहुत महान काम किया, अब उसको अपने सिर पे लेके आज को बोलते रहते हैं, अरे देखो देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे ये अवार्ड मिला, देखो तुम मेरी प्रशंसा करो, मुझसे पूछो मेरे को क्या अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, कुछ और पूछो ना मुझसे, नहीं तो मैं तो खाली हो गया अंदर से। या फिर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसमें उनको वो दुख हुआ है, तो फिर दूसरों से सहानुभूति की अपेक्षा में इधर उधर देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दोनों को छोड़ के स्वतंत्र रूप से जो हमारा कर्तव्य है उसको हमने ठीक ढंग से किया,
और ईश्वर के प्रति समर्पित किया। बोलदेव स्वामी कहते हैं यही एकमात्र सच्चा है। आज इसको ही विराम देते हैं, अगली बार फिर अगला एक अध्याय अपने चिंतन के लिए लेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत श्री